धर्मशाला में वर्ल्ड कप के मैचों पर बवाल, इंग्लैंड के कप्तान ने उठा दिए सवाल। जॉस बटलर की तरफ से कहा गया कि यार जब हम यहां पहुंचे हैं तो ये पिच और ये खासतौर पर आउटफील्ड देखकर हमें लगा कि यार ये आइडियल कंडीशन नहीं हो सकती है, ये सही नहीं है। उन्होंने कहा कि हम कोई बहाना बनाना नहीं चाहते, लेकिन ये आपको उन तमाम चीजों से रोकेगा जो आप एक टीम के तौर पर करना चाहते हैं। उनका कहना है मेरी नजर में ये खराब आउटफील्ड है, बहुत खराब आउटफील्ड है और ये अच्छी नहीं है। अगर आप वर्ल्ड कप करवा रहे हो तो स्मूथली होना चाहिए वर्ल्ड कप, लेकिन वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है और अब भी कुछ कुछ चीजों पर सवाल हैं और वो बड़े बड़े सवाल हैं। अब ऐसे वर्ल्ड कप मैच का क्या फायदा जहां पर खिलाड़ी ही चोटिल हो जाएं? जॉस बटलर ने भी एक तरीके से जो धर्मशाला में आउटफील्ड है जिसको लेकर इस तरीके के मैदान पर, इस तरीके के आउटफील्ड पर तो एक इंटरनेशनल मैच और वर्ल्ड कप जैसा मैच नहीं होना चाहिए जहां पर खिलाड़ियों को आप रिस्क कर रहे हो, उनको इंजरी होने का एक खतरा है। सामने क्रम गुजशतर रोज अपनी एक वीडियो में हमने आपको बताया था कि भारत में ग्राउंड्स की कंडीशन किस तरह की है, खासकर दिल्ली के धर्मशाला स्टेडियम जो कि भारतीयों के मुताबिक दुनिया का सबसे खूबसूरत तरीन स्टेडियम है, उसकी आउटफील्ड में खिलाड़ी डाइव नहीं कर सकते क्योंकि डाइव करते ही पूरी की पूरी मट्टी और घास उनके मुंह पर आकर लगती है, उन्हें इंजर्ड होने का खतरा होता है। और ये विजुअल्स आपने अफगानिस्तान के मैच में मुजीबुर रहमान की डाइव पर देखे ही होंगे। हमारी इस वीडियो पर हमारे पड़ोसी काफी नाराज दिखाई दिए और जिस जिस पाकिस्तानी ने इस पर तनकीद की, ये कहा गया कि आप लोग हमारी कामयाबियों से जलते हैं। ठीक है, हम आपकी कामयाबियों से जलते हैं, लेकिन अब इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर ने खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय तैयारियों के पोल भी खोले हैं और ये तक कहा है कि मैंने स्टेडियम की आउटफील्ड का बगौर जायजा लिया है, लेकिन मुझे काफी हैरानी हुई है कि हमारे प्लेयर्स क्या बाल पकड़ने के लिए डाइव लगाने की कोशिश करेंगे या नहीं। वर्ल्ड कप के इतने क्रूशियल स्टेज पर जहां पर एक एक रन बचाना होता है, वहां पर क्या हमारे खिलाड़ी खुद को जख्मी करेंगे या इंजरी का शिकार होकर टूर्नामेंट से बाहर होंगे, इस तरह की कंडीशन है वहां ग्राउंड की। उन्होंने मजीद कहा कि हम लोग कोई बहानेबाजी नहीं कर रहे, हम लोग मैचेस तो खेलेंगे लेकिन इतने बड़े स्टेज पर जब इतना बड़ा टूर्नामेंट होना है तो इस तरह की ग्राउंड कंडीशंस बहुत अजीब लगती हैं, क्योंकि खिलाड़ी जिन पर पूरी कौम की जिम्मेदारियों का बोझ होता है वो अगर इंजर्ड होकर वर्ल्ड कप से बाहर हो जाते हैं तो फिर पूरी टीम समेत पूरी कौम को झटका लगता है। हमारे प्लेयर्स कई कई सालों से तैयारी करते हैं, सिर्फ एक मैच में इस तरह के ग्राउंड की वजह से अगर वो इंजर्ड हो जाते हैं तो फिर हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। ये बातें की हैं जॉस बटलर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसने अब भारतीयों की चीखें निकलवा कर रख दी हैं और खुद वो जो पहले जस्टिफिकेशंस देते थे कि ग्राउंड की हालत इस वजह से है, बारिश हो गई थी, वो अब खुद मानने को मजबूर हो चुके हैं कि जेशा और भारतीय क्रिकेट बोर्ड की नाअहली की वजह से ये सारा काम हुआ है और इसके लिए सारी की सारी जिम्मेदारी भारतीय क्रिकेट बोर्ड की है। कि उन्हें इतने अरसे पहले पता था कि मैचेस यहां पर होने हैं, वर्ल्ड कप की होस्टिंग भारत के पास है, लेकिन फिर भी वो ग्राउंड बेहतर तरीके से तैयार नहीं कर सके। आपको यही सब कुछ सुनाते हैं कि अब भारतीय खुद किस तरह जॉस बटलर के बयान के बाद अपने बोर्ड की कुत्तों वाली करते नजर आ रहे हैं। धर्मशाला में वर्ल्ड कप के मैचों पर बवाल, इंग्लैंड के कप्तान ने उठा दिए सवाल। यहाँ हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बना HPCA स्टेडियम भले ही देश के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम में गिना जाता हो, भले ही इसे धर्मशाला शहर की पहचान कहा जाता हो, इसकी शान कहा जाता हो, लेकिन इसी HPCA स्टेडियम में वर्ल्ड कप 2023 के मैचों के आयोजन पर अब सवाल उठ खड़े हुए हैं, नया विवाद पैदा हो गया। और खास बात तो यह है कि इस विवाद की चिंगारी को सुलगाने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि इंग्लैंड की क्रिकेट टीम का कप्तान है, जिसका कहना है कि वर्ल्ड कप के मैच इस स्टेडियम में आयोजित नहीं किए जाने थे। आप सभी जानते हैं कि वर्ल्ड कप में अब इंग्लैंड को अपना दूसरा लीग मुकाबला धर्मशाला में बांग्लादेश के खिलाफ खेलना है। तो आखिर क्यों नाराज है HPCA स्टेडियम से इंग्लैंड के ये खिलाड़ी, इंग्लैंड के ये कप्तान? क्या है पूरा विवाद, जानने के लिए देखिए हमारी रिपोर्ट। देश नहीं पूरी दुनिया में अपनी खूबसूरती के लिए जाने जाने वाला धर्मशाला का HPCA स्टेडियम वर्ल्ड कप में अपने दूसरे ही मुकाबले के साथ विवादों में आ गया है। दरअसल इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कप्तान जॉस बटलर ने धर्मशाला के आउटफील्ड को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। गौरतलब है कि वर्ल्ड कप में इंग्लैंड को धर्मशाला में ही बांग्लादेश के खिलाफ अपना दूसरा लीग मैच खेलना है, लेकिन मैच से पहले इंग्लिश कप्तान की नाराजगी ने वर्ल्ड कप के आयोजक ICC को भी सवालों के घेरे में ला दिया है। आपको बता दें कि HPCA स्टेडियम की खूबसूरती को भुलाकर अगर मैदान पर देखा जाए तो इस वक्त आउटफील्ड में कई हिस्सों में घास उखड़ी उखड़ी नजर आ रही है, जिसे लेकर जॉस बटलर ने आउटफील्ड को यहां खेलने वाले खिलाड़ियों के लिए खतरनाक तक आंक दिया है। जॉस बटलर ने कहा है, आउटफील्ड को लेकर चिंताएं हैं, मेरे मुताबिक यह एक खराब आउटफील्ड है, ऐसे आउटफील्ड पर फील्डिंग के दौरान काफी सावधानी बरतनी होगी, चोट तो कहीं भी लग सकती है, लेकिन स्टेडियम पर थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। आप एक एक रन बचाने के लिए डाइव लगाते हैं, यह स्पष्ट रूप से आदर्श नहीं है जिस तरह की आउटफील्ड है। यह वह जगह नहीं है जहां आप एक टीम के रूप में, एक खिलाड़ी के रूप में या वर्ल्ड कप मैच में रहना चाहते हैं। मुझे पता है कि यह दोनों टीमों के लिए समान होगा, लेकिन यही दुआ करें कि दोनों तरफ से किसी भी खिलाड़ी को दुर्भाग्यपूर्ण चोट न लगे। क्या BCCI की कुछ ग्राउंड्स को लेकर या कुछ छोटी छोटी बातों को लेकर अधूरी तैयारियां इंडियन फैंस के लिए असहज होने की वजह बन रही है? मतलब जॉस बटलर जैसे बड़े खिलाड़ी ने
मैच के पहले बांग्लादेश के खिलाफ जो उनका मैच है धर्मशाला में, उससे पहले जो कुछ कहा वो सवाल खड़ा करता है कि क्या यार तैयारियां मुकम्मल तरीके से नहीं हुई, प्रिपरेशन और बेहतर हो सकती थी इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से। धर्मशाला वो ग्राउंड है जो इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे खूबसूरत क्रिकेट ग्राउंड में से है और वहां पर इंग्लैंड और बांग्लादेश के बीच मैच होने वाला है। लेकिन इस मैच से पहले जॉस बटलर जो कि इंडिया में राजस्थान रॉयल्स आईपीएल फ्रेंचाइज के कप्तान रह चुके हैं, कप्तान नहीं रह चुके हैं, प्लेयर है, इंपॉर्टेंट प्लेयर है, वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है, उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट आया है वो परेशान करने वाला है और वो एक तरीके से आपको एक थॉट देने वाला है। जॉस बटलर की तरफ से कहा गया कि यार जब हम यहां पहुंचे हैं तो ये पिच और ये खासतौर पर आउटफील्ड देखकर हमें लगा कि यार ये आइडियल कंडीशन नहीं हो सकती है, ये सही नहीं है। उन्होंने कहा कि हम कोई बहाना बनाना नहीं चाहते लेकिन ये आपको उन तमाम चीजों से रोकेगा जो आप एक टीम के तौर पर करना चाहते हैं। उनका कहना है मेरी नजर में ये खराब आउटफील्ड है, बहुत खराब आउटफील्ड है और ये अच्छी नहीं है, काफी बेहतर हो सकती थी। सिर्फ मुझे यही समझना है कि क्या प्लेयर डाइव लगाने के पहले ऐसी पिच पर चार बार। जॉस बटलर कहते हैं कि एक प्लेयर की इंटीग्रिटी को लेकर एक क्वेश्चन करने वाला तो नहीं है कि एक प्लेयर डाइव लगाने के पहले चार बार सोचेगा, और वर्ल्ड कप जैसे इंपॉर्टेंट मैच में अगर आप ये सोच रहे हैं तो फिर ये मुश्किल भरा है। लेकिन खिलाड़ियों की भी गलती नहीं, आप नहीं चाहेंगे कि आप अपने शरीर को नुकसान पहुंचाएं और आप वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएं। आप फील्ड पर डाइव लगाने के पहले, दौड़ने के पहले अगर सोच रहे हैं तो ये आपकी तैयारियों को लेकर सवाल खड़ा करता है। ऐसी भी चीजें रही जो शायद नहीं होनी चाहिए, जिसे हम कहते हैं कि अगर आप वर्ल्ड कप करवा रहे हो तो स्मूथली होना चाहिए वर्ल्ड कप, लेकिन वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है और अब भी कुछ कुछ चीजों पर सवाल हैं और वो बड़े बड़े सवाल हैं। अब ऐसे वर्ल्ड कप मैच का क्या फायदा जहां पर खिलाड़ी ही चोटिल हो जाएं? जी हां, अगर आपको लगातार आप फॉलो कर रहे हैं वर्ल्ड कप को तो आपको समझ आ चुका होगा कि बात हो रही है धर्मशाला की। और सवाल यह है कि क्या ऐसी भी सिचुएशन बन सकती है कि धर्मशाला में जो वर्ल्ड कप के मैचेस ऑलरेडी स्केड्यूल्ड हैं, पूरा बताएंगे कि आपको क्या कुछ मुकाबले हैं, क्यों ये मुद्दा बड़ा बन गया। जॉस बटलर ने भी एक तरीके से जो धर्मशाला में आउटफील्ड है जिसको लेकर एक खबर बनी थी और वो खबर गलत भी नहीं थी, क्योंकि फील्ड पर जो कुछ हुआ उसे देखकर यही लगा कि इस तरीके के मैदान पर, इस तरीके के आउटफील्ड पर तो एक इंटरनेशनल मैच और वर्ल्ड कप जैसा मैच नहीं होना चाहिए जहां पर खिलाड़ियों को आप रिस्क कर रहे हो, उनको इंजरी होने का एक खतरा है। मुकाबला था बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच, मुजीबुर रहमान फील्डिंग करते हुए डाइव लगाते हैं, उनका नी वहां पर फंस जाता है, सैंड बेस्ड जो आउटफील्ड है बड़ा पैची सा आउटफील्ड है, उन सब मुद्दों पर एक एक कराएंगे। लेकिन भारत को मुकाबला जो खेलना है, उनका जो पांचवा मुकाबला है एक तरीके से भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो खेला जाना है वो धर्मशाला में खेला जाना है। बड़ा ही सीनिक वेन्यू है, बड़ा ही जबरदस्त वेन्यू है, जो भी खिलाड़ी वहां पर जाते हैं चाहे वो भारत के हो चाहे वो विदेशी हो उस मैदान पर तस्वीर जरूर खिंचवाते हैं। लेकिन एक तस्वीर जो उस मैदान से बाहर निकलकर आ रही है उसको लेकर आई थिंक जो हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन है वो भी खुश नहीं होगी, साथ ही साथ बीसीसीआई भी खुश नहीं होगी और आईसीसी पर भी सवाल बड़े हो जाएंगे अगर इसी तरीके से चीजें हुई और लगातार आने वाले मुकाबलों में अगर ऐसा कुछ देख लिया। तो ये मुद्दा क्यों बड़ा बना है इस पर एक नजर डालते हैं और जॉस बटलर ने क्या कुछ है जो लतार एक तरीके से लगाई है जो आउटफील्ड है धर्मशाला पर उस पर एक नजर डालते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर जो है जॉस बटलर का कोट हम दिखाते हैं, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि उनकी नजर में ये एक बहुत ही खराब है, इन माय ऑन ओपिनियन आई थिंक इट्स पुअर। उन्होंने कोई वहां पर ढिलाई नहीं बरती शब्दों में, किसी भी तरीके का उन्होंने ये कोशिश नहीं करा कि कोई लीपापोती करी जाए, साफ तौर पर कह दिया उन्होंने। वो कह रहे कि अगर डाइव लगाते हुए खिलाड़ियों को केयरफुल रहना होगा या फिर फील्डिंग करते हुए इस तरीके से सोचना होगा तो फिर कैसे समझ में आता है। और आगे अगर आप पढ़ेंगे तो उन्होंने लिखा, यू वांट टू डाइव थ्रू अ रो ऑफ हाउसेस टू सेव अ रन, दैट्स ऑब्वियसली नॉट आइडियल द वे द सर्फेस इज द आउटफील्ड